नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जोगिंदर पटियाल। अयोध्या में आम जनता के लिए रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। पहले ही दिन 3 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच गए। अफरा तफरी मच गई, भीड़ बेकाबू होने लगी, सरकारी इंतजाम कम पड़ने लगे। योगी आदित्यनाथ को खुद अयोध्या जाना पड़ा सीनियर अफसरों को दिशा निर्देश देने के लिए। सिग्नेचर स्टोरी में योगी की क्लास का पूरा अंदर का ब्यौरा देंगे। बिहार के तेजतर्रार आईएएस अफसर के पाठक 15 दिन की छुट्टी से लौट आए, क्योंकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को लालू ने दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। मगर हायरी किस्मत, पाठक जी के सींग अब एक और चंद्रशेखर से फंस गए हैं। अब क्या होगा, पावर की ये बाजी कौन मारेगा, ये नए चंद्रशेखर साहब हैं कौन? कॉलिंग कार्ड में आपको उनसे मिलवाएंगे। आज मिलाना तो उन परिवारों से भी है जिन्होंने बेवक्त अपनों को खो दिया। पिछले 24 घंटे में हार्ट अटैक से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मासूम बच्ची भी शामिल है। क्यों कमजोर हो रहा है देश का दिल, हंसते खेलते लोग यूं मर क्यों रहे हैं? फैक्ट फाइंडिंग में दगाबाज दिल की दर्दनाक बात करेंगे। वैसे बात तो आरक्षण के अंगारों की भी करनी है। राजस्थान में जाट गुस्से में है तो महाराष्ट्र में मराठा। समर्थकों के साथ मनोज जरांगे पाटिल मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जाट केंद्र को ललकार रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आरक्षण वाली आग की खबर। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले आपसे एक अपील करनी है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, भक्त वहां पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं, तैयारी कर ली है, टिकट्स बुक करवा दिए हैं, सामान बांध लिया है, सोच रहे हैं कि आने वाले वीकेंड पर 3 दिन की छुट्टी में घर से निकलेंगे, तो जरा सब्र कीजिए, धीरज धरिए, हो सके तो अपना प्लान बदलिए, अपनी यात्रा रीशेड्यूल कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त अयोध्या में बहुत ज्यादा भीड़ है। लाखों भक्तों का रेला पहुंचा है वहां पर। लोग इतने ज्यादा हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भक्त राम मंदिर में दर्शन के लिए जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कई तो बेसुध होकर गिर भी पड़ रहे हैं। सोचिए ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो, अगर मान लीजिए भगदड़ी मच जाए तो, किसी की भी जान जा सकती है। इसीलिए हमने तय किया है कि आज सबसे पहले आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाएंगे, ताकि आप यात्रा को लेकर अपना फैसला खुद लें। राम कसम, ये भीड़ डरा रही है, माथा चकरा रही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भीड़ का ये जुनून देखकर। अयोध्या का रामपथ हो या फिर हनुमानगढ़ी, चाहे गर्भगृह का मुख्य द्वार, भीड़ कलेजा चीर है, भीड़ अधीर है, बेलगाम है, बेकाबू है। किसी को किसी की फिक्र नहीं, ना किसी को किसी की परवाह, किसी में धैर्य नहीं, बस एक बार रामलला के दर्शन करने हैं। कानून टूटे चाहे माथा फूटे, जान जाए पर राम के दर्शन हो जाए। भीड़ कैसे बेकाबू हुई, चूक कहां हुई, क्यों धैर्य रखना जरूरी है और क्यों अयोध्या आने में जल्दबाजी नहीं करनी, रामलला के दर्शन कर बाहर आई इन दो भक्तों से सुनिए। अभी कोई जल्दी ना करे, प्रशासन को अपनी सुविधा जल्दी ना करे ना, काफी लोग अंदर आ गए, बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे लग रहा था कि पूरे यहीं के यहीं सीताराम हो जाए, कि हम लोग ही इतने पागल जैसे जा रहे हैं ना। आप ये कहेंगे कि अभी ज्यादा लोग अभी ना आए, ना आए, एक महीने के बाद आएंगे तो सही रहेगा। सुबह 6:30 बजे रामलला की पहली आरती हुई, मंदिर के कपाट खुले और भक्तों का इतना रेला आया कि सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। पुलिस फोर्स की सांस फूल गई, सामने इतने लोग थे जो संभाले नहीं संभले। गर्भगृह में प्रवेश का हाल देखिए, हजारों की भीड़ है, रस्सी के सहारे उन्हें पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कोशिश नाकाफी, श्रद्धा के ज्वार के आगे सिस्टम की धज्जियां उड़ गई। सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको
अंदर जाने की अनुमति मिले। भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं और यहाँ से लेकर आगे तक जो है दो गेट हैं उस पर इसी तरीके की भीड़ लगी हुई है। हर कोई कोशिश ये कर रहा है कि वो कैसे भी ये अंदर चला जाए। भीड़ में आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालु से मिलिए, सांस फूली हुई थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, सुकून बस ये था कि राम कृपा हो गई। डायरेक्शन अंदर सब भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बहुत ज्यादा भीड़। ओ मैं नीचे पड़ेगा, मैं नीचे पड़ेगा, नीचे पड़े से आप गिर पड़े थे। हाँ मैं पड़े थे, मैं पड़े थे, ऊपर से लोग दर्शन हो गए। कोई हादसा ना हो जाए इसीलिए मंदिर के कपाट तयशुदा समय से एक घंटे पहले ही खोल दिए गए। मंदिर के कपाट 8 बजे की जगह 7 बजे खोलने पड़े। दोपहर 1 बजे तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 3 बजे मंदिर के कपाट दोबारा खुले। दोपहर तक 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। भक्तों का जमावड़ा न सिर्फ राम जन्मभूमि पथ पर बल्कि राम पथ और भक्ति पथ तक लगातार है और इसी वजह से ये ध्यान रखा जा रहा है कि भीड़ के लिए रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है, SSB लगी हुई है, स्टेट पुलिस लगी हुई है और आला अधिकारी लगातार मैनेजमेंट कर रहे हैं। अयोध्या के धर्मपथ पर बैरिकेडिंग है, सायरन बजाती गाड़ियां, तलाशी लेती पुलिस मिलेगी, भक्तों के जत्थों को रोका जा रहा है। गर्भगृह के बाहर खुद सूबे के स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मोर्चा संभाले हुए थे। प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद भीड़ से लोहा लेते दिखे। तमाम इंतजाम के बावजूद हवा कैसे निकल गई इसकी वजह भी बताते हैं। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु 2-3 दिन पहले ही अयोध्या पहुंचे। एक साथ कई राज्यों से हजारों लोग आ रहे हैं। हर कोई जल्दी से जल्दी दर्शन करना चाहता है। दर्शन के लिए कोई लाइन सिस्टम नहीं है, दर्शन के लिए कोई पूजा का प्लान तैयार नहीं है। लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। भारी वाहनों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया, जो डाइवर्शन की प्रक्रिया पिछले दिनों चल रही थी अभी कुछ दिनों तक उसे बढ़ाया गया जिससे कि हमारे मार्गों पर अनावश्यक लोगों को परेशानी न हो। कुछ भक्त उतावले हैं, इनकी जिद सिस्टम को बिगाड़ रही है, लेकिन कुछ धैर्यवान भी हैं। पुणे से आए इस परिवार से मिले। 2 दिन हो गए अयोध्या आए हुए, भीड़ छंटने का इंतजार कर रहे हैं। कल ही दर्शन करने के लिए आए थे पर कल रोक दिया था, आज तो करके ही जाएंगे। भीड़ बहुत है पर भीड़ की चाहे हमें कुछ फिक्र नहीं है, हमें बस रामलला का दर्शन करने आए। भीड़ है, जय जयकार है, लेकिन भीड़ में जेब कतरों की भी बहार है। कोई रोता मिला, कोई अफसोस करता, किसी की जेब कट गई, किसी की सोने की चेन निकल गई। चेन निकाल दी, तोड़ दी, पीछे से घसीट के निकाल के पीछे से निकाल के ले गया। रोने की संभावना हो चली, 100 चोर नहीं लेके पीछे से खींच के ले गया। ऐसे रोने से अच्छा है धैर्य रखिए, कुछ दिन बाद अयोध्या आइए। राम जी का दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। हाँ इसीलिए आए हैं। टाइम कितना भी लग जाए लेकिन दर्शन भी लगे दर्शन करके जाएंगे। हाँ जी ठान लिया है। हाँ जी रात से बैठे हैं आप? रात से जी रात से बैठे हैं रामलला के दर्शन करने। 500 वर्षों का इंतजार हम लोग ने किए हैं, जैसा भी होगा रामलला ने हमें बुलाए हैं तो हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। दर्शन करके ही जाएंगे। श्रद्धा तो धैर्य सिखाती है लेकिन जो आ रहे हैं उन्हें दर्शन की जल्दबाजी है, चाहे हादसे की वजह ही क्यों ना बन जाए। इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज चलेगा कल चलेगा, मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा, ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं, विशेषकर 4,000 तो संतों के समूह हैं। भीड़ बेकाबू हुई तो खुद CM योगी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे, आसमान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और भीड़ का भी। अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, सरकार और पुलिस को इसका अंदाजा पहले से था, लेकिन तैयारियां क्या की गई, सुरक्षा का घेरा कैसा है, भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे वहां पर, ये बताता हूं अब मैं आपको। अयोध्या में करीब 10,000 से ज्यादा तैनात किए गए हैं जवान। CRPF और SSB की बटालियन लगाई गई हैं। UP ATS की स्पेशल टीम एक्टिव है, हालात पर नजर रखी जा रही है और ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से CCTV कैमराज को ऑपरेट किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए
सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हो गए, क्योंकि दिन भर से भीड़ की तस्वीरें चल रही थी। व्यवस्था कंट्रोल में रहे इसे लेकर अयोध्या मंदिर में हाई लेवल मीटिंग करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा खुद भी मौजूद रहे, साथ ही यूपी पुलिस के आला अफसर भी शामिल थे। अयोध्या आने वाले दर्शनार्थियों को कोई इंतजाम में दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, आगे भीड़ कैसे कंट्रोल की जाए और दर्शन करने वालों को भी दिक्कत ना हो, इसे लेकर पूरी प्लानिंग की गई। वैसे यूपी सरकार ने भी लोगों से ये अपील की है कि वो धैर्य बनाए रखें। जिस प्रकार से राम भक्तों का जनसैलाब अयोध्या धाम की ओर उमड़ रहा है, इतनी भारी भीड़ आ गई है, मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, अब रामलला अनंत काल तक अपने जन्म स्थान पर रहेंगे। वनवास खत्म हो गया, टाट से अब भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में आ गए हैं भगवान, इसलिए जल्दीबाजी ना करें और सुरक्षा आदि के जो जरूरी प्रबंध हैं वह सरकार ने किए हैं, स्वच्छता के प्रबंध किए हैं। अयोध्या में टाइट सिक्योरिटी की वैसे एक वजह और है। चार दिन पहले यहाँ से खालिस्तान समर्थक 3 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था। हाई अलर्ट तभी से है, राम मंदिर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक भारी पड़ सकती है, लिहाजा पुलिस और सरकार कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। दरअसल 19 साल पहले रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला किया गया था। ये साजिश जैश ए मोहम्मद ने रची थी। 5 फिदायीन रामलला की स्थापना स्थल तक पहुंच गए थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते 5 को मार गिराया गया था। उस वक्त ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया फैजाबाद में ब्रिगेड कमांडर थे। कैसे ये हमला हुआ था और आतंकियों ने कैसे पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, इस पर थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर सिसोदिया से मैंने खुद बात की, वो आपको सुनवाता हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोग उस घटना के बारे में नहीं जानते होंगे। ब्रिगेडियर सिसोदिया 2005 में जब आप फैजाबाद पोस्टेड थे, तो रामलला के मंदिर में आखिरकार हुआ क्या था, वो घटना क्या थी? 5 जुलाई 2005 को मैं वहां ब्रिगेड कमांडर था फैजाबाद में, अब अयोध्या जिसका नाम है। तो मेरी इंटेलिजेंस गैदरिंग टीम घूमती रहती थी टाउन के आसपास वगैरह, क्योंकि हमारी पूरी ब्रिगेड की डिप्लॉयमेंट उधर थी। तो अचानक ही मुझे मैसेज आता है कि राम मंदिर पे आतंकवादियों का हमला हो गया है। उसी समय मैं अलर्ट हो गया, मैंने अपने ट्रुप्स को भी अलर्ट कर दिया, अपने स्टाफ को भी, और उसी समय नेशनल टेलीविजन पे भी खबरें आनी शुरू हुई। सबको एक चीज का फिक्र था कि अगर ये बात बढ़ गई तो अगले उसी समय हिंदुस्तान में क्या होना है, लोगों को आइडिया भी नहीं हो सकता था। जब ये घटना घटी तो मैं एकदम अपने टीम को लेके सिविल हालत में राम मंदिर में गया, वहां देखा तो वहां उसमें एक्शन हुआ था। ये जो टेररिस्ट थे ये 5 आए थे, इन्होंने एक जीप ली थी, पहले किसी और गाड़ी में आए, टाटा सुमो में आए, फिर उन्होंने जीप चेंज की और उन्होंने जो एक राम जो लोग पहले राम मंदिर में गए हैं उसके चारों तरफ जो बैरिकेडिंग थी, वो लोहे के पाइप लगे थे, उसके ऊपर तार वगैरह लगी हुई थी, उन्होंने गाड़ी उसके नजदीक लाई और ब्लास्ट की। ये 3 इस तरफ लोगों ने ब्लास्ट की और 2 ने दूसरी तरफ से, एक और साइड से गेट था, वो मेन गेट से नहीं आए। जैसे ही ब्लास्ट हुआ वो अंदर एंटर किए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये लोग काफी अंदर तक आए, 2 दिशाओं से आए। जब ये आए तो ये इतने नजदीक पहुंच गए थे राम मंदिर के कि अगर इनका हथियार और एमुनेशन सही होता तो बहुत मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि जहां रामलला की मूर्ति रखी हुई थी वहां वो एरिया तरपाल से ढका हुआ था, उसके बैंबू लगे हुए थे, सारा मटेरियल ऐसा था कि अगर एक चीज आग पकड़ जाती तो पूरा राम मंदिर जहां रामलला का निवास था टेम्परेरी, उसको आग पकड़ जाती। जो मुझे फिक्र था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है झाड़ियों में। उस समय पब्लिक भी आनी शुरू हो गई थी अंदर आने के लिए, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताया कि आप लोगों को यहां से हटाइए, एक तो नुकसान हो सकता है, दूसरा आतंकवादियों ने जो ग्रेनेड फेंके हैं या कोई और उनका सामान नीचे गिरा है या कोई आईईडी है, अगर उसके ऊपर पांव पड़ जाता है तो और नुकसान होगा। फिर मैंने इसका फर्दर एनालिसिस किया, वो तकरीबन 30 से 50 मीटर की दूरी पे जहां रामलला का निवास था उसके नजदीक पहुंच गए थे, उनके पास ग्रेनेड थे और ग्रेनेड बरामद हुए। वहां झाड़ियों में जब ग्रेनेड मिले तो मैंने
इनको पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि यहां सामान गिरा हुआ है होगा, आप लोगों को जाने ना दें। इतनी उन्होंने सख्त तेजी से कार्रवाई की, बाकियों को दिखाने के लिए कि वो तो एक किस्म से लोग हैं जो मंदिर जाना चाहते हैं, उस तरीके से आए थे। उन्होंने ब्लास्ट किया, जो वहां टावर थे सेंट्रीज के, वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगी थी, सीआरपीएफ थी, पीएसी लगी हुई थी, वहां से हाइट से ऑब्जर्वेशन वगैरह अच्छी थी, और उन्होंने ऊपर से उनके ऊपर फायर किया, इन्होंने भी फायर किया, इसमें तकरीबन 3 सीआरपीएफ वाले भी अताहत हुए। ये प्लानिंग का हुई थी सिसोदिया साहब, ये पता लगा कि प्लानिंग कैसे हुई थी और रामलला के टेंपल पर अटैक के लिए कौन लोग इसके पीछे थे, मास्टरमाइंड कौन था, ये सब पता लगा बाद में? बाद में इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ये लोग नेपाल के थ्रू एंटर हुए थे, ये लोग लश्करे तोयबा के थे, किसने कहा जैसे मोहम्मद के हैं, पर आमतौर पर बिलीव किया जाता है लश्करे तोयबा के थे, तो ये वहां से पाकिस्तान से आए होंगे नेपाल में और यहां आए होंगे, यहां आके रुके होंगे, क्योंकि ये आजमगढ़ होके आए थे, तो ये सुल्तानपुर आजमगढ़ वगैरह होके आए थे। ये प्लानिंग मुझे लगता है कि पाकिस्तान से होगी, क्योंकि जब ये आए हैं तो उन वेपन्स को लेके आए हैं जो इस जगह के लिए इस्तेमाल हो सकते थे अच्छी तरह से। पर मुझे एक और शक है कि हथियार एमुनेशन पहले का इनके पास पड़ा था, क्योंकि ग्रेनेड फटे नहीं, इसका मतलब ग्रेनेड पुराने ग्रेनेड थे। आपने सिसोदिया साहब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम जब आप देख रहे होंगे कल, अपने घर में ही देखा होगा जाहिर सी बात है टीवी पर, तो आपको ये पूरा सीक्वेंस, ये पूरा घटनाक्रम याद आ रहा होगा कि आज हम क्या देख रहे हैं और 2005 में क्या होने वाला था जब मेरी वहां तैनाती थी। बिल्कुल सही, क्योंकि ये काफी पुरानी बात थी, मैं कई जगह होया आया था, तो ये मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया था। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई और जब मैं लाइव देख रहा था, तो मेरे वो पूरी पिक्चर मेरे दिमाग में आ गई। तो ये जैसे एक किस्म से रील चलती है फिल्म की, मेरे दिमाग, मेरे नजरों के सामने वो रील भी पूरी तरह से घूम रही थी। क्या कोई पकड़ा भी गया था उनमें से टेररिस्ट, या कोई उनका ऐसा मॉड्यूल, या सभी के सभी मौके पर ही न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे? ये जो पांच आए थे, पांचों के पांचों मौके पे न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर की प्लानिंग की कुछ प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने? जब मैं जाऊंगा तो मैं फिर दोबारा से विजिट करूंगा कि रामलला के दर्शन करूंगा, और एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल अपने नजरें पूरी तरफ घुमाऊंगा अंदर और बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया सिसोदिया साहब हमसे बातचीत करने के लिए और 2005 के इस इंसिडेंट के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। वैसे ब्रिगेडियर सिसोदिया वही अफसर हैं जिन्होंने मुंबई हमले में आरोपी अजमल कसाब, जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट था, उसे इंट्रोगेट किया था। श्रीलंका में शांति सेना के दौरान एक ऑपरेशन में भी वो घायल हुए थे। तो इस तरह से ब्रिगेडियर सिसोदिया ने बताया कि किस तरह से हमला किया गया था रामलला के मंदिर पर। अयोध्या में आतंकी तो ढेर हो गए थे, अब मुंबई में पत्थरबाजों और उपद्रवियों के घर भी ढेर होंगे। बुलडोजर का एक्शन वहां भी शुरू हो गया है। दो दिन पहले राम नाम के झंडे वाली गाड़ियों पर जिन्होंने हमला किया था, पत्थरबाजी की थी। मीरा रोड इलाके की यह घटना थी। शोभा यात्रा में शामिल लोगों से मारपीट और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मीरा रोड पर आज इन आरोपियों की अवैध दुकानों और अतिक्रमण पर बुलडोजर का काम शुरू हो गया। बुलडोजर की कार्यवाही की गई, इलाके में पहले पूरी फोर्स लगाई गई, भारी तैनाती की गई और 15 से 20 दुकानों के अवैध निर्माण को बुलडोजर ने दहा दिया। 21 तारीख की घटना के बाद हमने तुरंत रजिस्टर एफआईआर किया था और उसके बेसिस पे हमने उसी दिन में 13 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें आज उनको प्रोड्यूस करने के बाद 5 दिन की कस्टडी भी मिली है। ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो निकालने के लिए आज कॉरपोरेशन ने मुहिम चलाई है। अभी इस एरिया में जो माहौल है उसे देखकर आज भारी बंदोबस्त हमने दिया है ताकि ये कार्रवाई आसान तरीके से की जा सके। ये मीरा रोड का नया नगर इलाका है, वही नया नगर इलाका जहां पर 48 घंटे पहले दंगा हुआ था, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी, हिंसा की थी और जो गुंडागर्दी की थी उसके खिलाफ अब पुलिस का बड़ा एक्शन होने के बाद अब महानगर पालिका का, मीरा रोड भाईंदर महानगर पालिका का एक्शन देखने को मिल रहा है। अयोध्या हो या मुंबई या फिर अहमदाबाद, सरकारें और प्रशासन दोनों अलर्ट हैं। ऑर्डर बिल्कुल साफ है, अगर आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी
तो सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन एक काम आपको भी करना है, अयोध्या जाने की जल्दबाजी कतई नहीं करनी। भगवान राम अब सदा के लिए विराजमान हो चुके हैं, मंदिर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अगर आप अभी रामलला के दर्शन करने के लिए घर से निकले, सबके साथ निकले, तो फिर सिक्योरिटी हो या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, सरकार पर, पुलिस पर, दूसरी एजेंसियों पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। हो सकता है आज जैसे हालात फिर बन जाएं। परेशानी कम नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। चलिए अब धर्म से निकलकर सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं, बिहार चलते हैं। कल बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। इससे ठीक पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का यह फैसला बिहार के लिहाज से एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश की पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की फैसले का स्वागत भी किया है, मोदी सरकार का आभार भी जताया है, क्योंकि इसे लेकर जेडीयू लंबे समय से मांग कर रही थी। वास्तव में वो भारत रत्न थे और उनको भारत रत्न लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके या बताया है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान किया। मैं इस सम्मान को दिए जाने का हृदय से स्वागत करता हूं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक योगदान है समाज में, राजनीति में, एक स्वतंत्रता सेनानी है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अगर भारत की सरकार अगर देती है तो ये जनता दल यू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सब लोग जो मांगा है उस पर मैं मानूंगा कि एक मुहर है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया, तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। अब इस फैसले को वोट की कसौटी पर आंकिए। बिहार में 63% ओबीसी हैं, यानी 13 करोड़ में से 8 करोड़। सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए सवाल है कि ओबीसी नेता कर्पूरी को भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश क्या करेंगे? क्या शुक्रिया अदा करने के लिए गठबंधन की दहलीज लांग जाएंगे? आज इसका एक और संकेत मिला। नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए और इस मुलाकात के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, क्या एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। जब तक नेताओं के रिएक्शन आते तब तक पीएम मोदी ने बिहार दौरे का ऐलान भी कर दिया। मोदी 4 फरवरी को बिहार का दौरा करेंगे, बेतिया में रैली करेंगे। तो क्या इस रैली में नीतीश और मोदी मंच साझा कर सकते हैं? सियासत है, चुनाव है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। वैसे आरजेडी और बीजेपी में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए ग्राउंड की लड़ाई थी, आज एक लड़ाई और हो गई। बिहार सरकार के 2 अफसर बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, कौन सही है कौन गलत, इसे लेकर एक दूसरे को चिट्ठी पर चिट्ठी भेज रहे हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। आप सोच रहे होंगे अफसर भिड़े हैं तो मसला बड़ा होगा, लेकिन मामला सिर्फ बच्चों की छुट्टी का है। के पाठक नहीं चाहते स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो और पटना के डीएम छुट्टी पर छुट्टी दे रहे हैं। वाहरी बिहार सरकार और वाहरे बिहार के शासन, गजब ही कर दिया। अब तक तो मंत्री और अफसर की लड़ाई थी, खुलकर टकराव था, अफसर जीता मंत्री हारा। लेकिन अब तो अफसर बनाम अफसर के बीच पावर की लड़ाई शुरू हो गई है। कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, कौन किसे आदेश दे सकता है और कौन किसका आदेश रद्द कर सकता है, बात यहां तक पहुंच गई है। इस बार के पाठक का सामना हुआ है पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से। तो स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है
और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है, और निर्णय लेने के लिए आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है और उसके तहत जो है इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। डीएम साहब के तेवर इतने सख्त क्यों हैं? जवाब जानना है तो 3 दिन पीछे चलना होगा। ये के पाठक साहब का दफ्तर है, यहीं से 20 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ। पाठक साहब ने लिखा, पिछले दिनों शीतलहर के चलते अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेश जारी किए गए। धारा 144 के तहत स्कूल बंद करना गंभीर वैधानिक मामला बन जाता है। विद्यालयों को बंद करने का जिक्र है, लेकिन कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानों को नियंत्रित नहीं किया गया। ये कैसी सर्दी है जो सिर्फ स्कूलों पर गिरती है, कोचिंग सेंटर पर नहीं। इसीलिए जो आदेश निकाला गया वो वापस लिया जाए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे स्कूल जाएं। बात बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा रोकी जाए। लेकिन शायद पटना के डीएम साहब को पाठक जी का ये ऑर्डर पसंद नहीं आया। अगले ही दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया, वो भी लिखित में। जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान अब भी जारी है, जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। लिहाजा धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए 8वीं तक के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। जैसे ही डीएम साहब का लेटर बाहर आया, पाठक जी गुस्से से लाल पीले, क्योंकि पहली बार उनके ऑर्डर की नाफरमानी हुई, अनदेखी हुई। फिर क्या था, डीएम, अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया। अगला लेटर आया माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद का, पटना के जिला शिक्षा अधिकारी के नाम। उसमें लिखा था, अपर मुख्य सचिव ने पहले ही कहा है, किसी भी स्कूल को बंद करने के लिए विभाग की अनुमति लेनी होगी, जो कि पटना के डीएम ने नहीं ली। इसीलिए सभी स्कूलों को खुला रखने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अब कौन किसका ऑर्डर मानेगा, मान सकता है या नहीं? जब बात यहां तक पहुंच गई तो पटना के डीएम ने बेहद खराब भाषा में एक और लेटर जारी कर दिया शिक्षा विभाग के नाम। पहले अपनी पावर्स डिटेल में समझाई और फिर लिखा, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी को स्कूल बंद करने का आदेश देने के पर्याप्त अधिकार है। इसमें विभाग की अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है और ना ही किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र के इस आदेश को बदला जा सकता है। इसके बाद लेटर में जो लिखा वो के पाठक साहब को सीधा चैलेंज था। साथ ही पटना के डीएम ने कहा, अगर कोई भी जिला अधिकारी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है और इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य को संकट होता है, तो 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है, वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया गया। जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। भले ही बाकी जिलों के डीएम ने छुट्टी का ये ऑर्डर रद्द कर दिया, लेकिन पटना के डीएम को साथ मिला नालंदा के डीएम का, क्योंकि उन्होंने भी पाठक साहब का ऑर्डर किनारे लगा दिया, ये कहकर कि ठंड ज्यादा है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। देश के बहुत सारे राज्यों में तापमान में गिरावट है, लेकिन अफसरों के टकराव से सियासत का पारा बढ़ने लगा है। अब किसी को तो कूल डाउन करने के लिए सामने आना ही था, ये औपचारिकता भी पूरी हो गई, मगर बीजेपी को नीतीश सरकार को कोसने का मौका मिल गया। जो मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है, तो ये तो कार्यपालिका में होगा ही। कोई कामकाज ठप हो रहा है, टोटल कामकाज ठप है। शिक्षा विभाग के ACS टकरा रहे हैं पटना डीएम से, शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री टकरा जा रहा है, और इसके सिर्फ जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं और कोई नहीं। जिलाधिकारी तो जिला का मालिक होता ही है, सबूत देखना उनको होता है, अपने अनुसार लोग करता भी है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, बैठकर आदमी बात कर लेगा, कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, बैठकर बात कर लेगा। ठंडा है, सर्दी तो बंद तो होगा ही ना, बच्चों की देखते हुए। कौन किसे समझाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अफसरों के बीच झगड़ा और बढ़ गया है। अब से थोड़ी देर पहले पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से एक और ऑर्डर निकल गया है, बच्चों के स्कूल अब 23 की बजाय 25 जनवरी तक बंद रहेंगे। ऑर्डर में लिखा है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए धारा 144 के तहत यह फैसला लिया गया है। डीएम साहब ने छुट्टी जैसे ही बढ़ाई, के पाठक ने एक और लेटर भिजवा दिया।
डीएम से पूछा गया कि शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन क्यों हुआ, छुट्टी डिक्लेयर करने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति क्यों नहीं ली गई, अपने अधिकारों से बाहर जाकर धारा 144 के तहत गलत आदेश निकाला। पाठक साहब ने कहलवाया कि डीएम का आदेश अदालत में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक ही सरकार के दो विभागों और दो अफसरों का मामला है, इसलिए अदालत नहीं जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। डीएम साहब ये कहना चाहते हैं कि भले ही एक चंद्रशेखर को किनारे लगवा दिया, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी है साहब, यहाँ बाकियों की कलम में भी दम होता है। मंत्री चंद्रशेखर यादव भले ही पोर्टफोलियो बदलवा गए, लेकिन यहाँ आदेश डीएम चंद्रशेखर सिंह का है, जो ना बदला जाएगा बल्कि आगे बढ़ेगा। एक झगड़ा तो कांग्रेस और बीजेपी में भी हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम में है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वहां पर, लेकिन असम में भारत जोड़ो यात्रा के गुजरने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में टकराव और बढ़ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और राहुल गांधी सीधे आमने सामने हो गए हैं। गुवाहाटी की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस की भिड़ंत के बाद सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। से कम अच्छा बात भी बोल के जाओ अगर आपका न्याय यात्रा है, ये तो अन्याय यात्रा चल रहा है। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं, पूरी दुनिया दूसरे साइड खड़े हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मेघालय पहुंच गई, लेकिन असम छोड़ने से पहले गुवाहाटी का माहौल गर्मा गया। प्रशासन ने राहुल की यात्रा को गुवाहाटी में एंट्री की इजाजत नहीं दी। कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर खूब हंगामा किया। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। कांग्रेस की यात्रा गुवाहाटी के बाहर से ही गुजर गई। शहर में एंट्री को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जो हुआ उसे सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने नक्सली संस्कृति कहा और राहुल गांधी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद राहुल के खिलाफ असम में FIR दर्ज हो गई। लेकिन इस घटनाक्रम को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए बूस्टर डोज बता रहे हैं। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। राहुल गांधी ने असम में घुसते ही मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पर जो हमले शुरू किए थे वो असम से आगे बढ़ने तक जारी रहे। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर्स इन द कंट्री। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं वो यात्रा की मदद करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज भर आ गया, आपने देखा पूरा कॉलेज भर आ गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते वो कॉलेज के अंदर होता, इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना करना है करिए, मजा आ रहा है, हमारे फायदा है। राहुल बोल रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं, लेकिन असम के सीएम ने कहा कि राहुल का डर बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दिया। सियासत है, यहाँ वोट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। राहुल वोट जोड़ने का जुगाड़ लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए हेमंता कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान बंद करवाने पर तुले हैं।
वैसे तो दुकान जिंदगी की भी बेवक्त बंद हो रही है। देश के लोगों को दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। किसी को खेलते हुए, किसी को चलते हुए हार्ट अटैक आ जा रहा है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? 25 सालों से वो रामलीला में महाबली हनुमान का रोल निभाते आ रहे थे। भिवानी के लोग हरीश मेहता की दमदार अदाकारी के कायल थे। कल भी वो हनुमान ही बने थे, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। हरीश के कदम लड़खड़ाए, शरीर का संतुलन बिगड़ा, खुद को संभाल पाते उससे पहले शरीर बेजान हो गया। वो गिर पड़े। कुछ देर तक श्रद्धालुओं को लगा कि हरीश राम भक्ति में लीन है। कुछ लोग ताली भी बजा रहे थे। काफी देर तक जब शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो लोगों के होश उड़ गए। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हरीश को बचाया नहीं जा सका। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। भिवानी से 270 किलोमीटर दूर अमरोहा में क्या हुआ, ये देखना भी बहुत जरूरी है। 22 जनवरी की शाम करीब 5:09 पर 55 साल के आसिफ अपनी टैक्सी को साफ कर रहे थे। सफाई के दौरान अचानक ही आसिफ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। हरीश की तरह ही आसिफ ने भी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हरीश की तरह आसिफ को भी हार्ट अटैक आया था। हनुमान जी का किरदार कर रहे थे और वो लास्ट में जो राम जी के चरणों में जब वो गिर गए तो उनको लगा कि कुछ घटित हो गया है, तो वो यहाँ लेकर आए तो वो ब्रोड डेड थे। सुबह ही सुबह गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी धोते धोते इन्हें जो है चक्कर आया, ये गिर गए। ठंड बहुत ज्यादा है, ये जो है अस्पताल को जो लेके गए हम इन्हें, तो वहाँ जो इन्हें जो डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से अनाई मृत हो गए। आमतौर पर हार्ट अटैक को बिगड़ते खानपान और बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अमरोहा की ही 5 साल की कामिनी की मौत और भी डराने वाली है। 19 तारीख की रात कामिनी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी। 9 बजे के आसपास कामिनी के हाथ से मोबाइल छूट गया और जमीन पर गिर गया। घर वाले भागे भागे अस्पताल ले गए, लेकिन कामिनी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। ये कार्टून देख रही थी अपनी मम्मी के साथ, अचानक मोबाइल हाथ में से गिर गया, लड़की बेहोश हो गई, हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, कुछ नहीं इसके अंदर। आखिर ये हो क्या रहा है? 5 साल की बच्ची को हार्ट अटैक, कभी सुना है आपने? कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी डांस, कभी रामलीला का मंच, तो कभी वीडियो गेम। बच्चे, बुजुर्ग या जवान हो, दिल क्यों कमजोर होता जा रहा है? क्यों धड़कने रुक रही है? हमारे हार्ट के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस सेट इन हो गया है, जो कोविड के बाद खास तौर से सेट इन हो गया है, और मायोकार्डाइटिस उसको हम कहते हैं, हार्ट के इन्फ्लेमेशन को मायोकार्डाइटिस कहते हैं, जिसमें ये सडन कार्डियक डेथ थोड़े से एक्सर्शन पे हो सकती है। खून का थक्का जमना, अचानक बंद हो जाना, स्ट्रेस, ये सब कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब क्यों नहीं मिलता? बताइए, 5 साल की बच्ची को भला क्या स्ट्रेस हो सकता है? वैसे कामिनी की तरह ही हार्ट अटैक का एक और केस सवाल खड़े करता है। 35 साल के विनोद इंडियन आर्मी में थे। कल गांव में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक सीने में दर्द उभरा, रिश्तेदार अस्पताल ले गए, लेकिन शरीर से फिट चुस्त दुरुस्त ये जवान दिल की जंग हार गया। ईसीजी करने पर उनको एंटीरियर वॉल एमआई आया, जिसके लिए ट्रीटमेंट शुरू किया गया, परंतु उस ट्रीटमेंट के दौरान ही उनको अचानक से एरिथमिया हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। कभी कभी सडन कार्डियक एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जी लोगों को खून जमने की बीमारी होती है, उनकी भी सडन डेथ हो सकती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस तरह दिल का रुक जाना कोई आम बात नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। अब तो इंसान शादी में डांस करने से भी डरने लगा है। राजस्थान के पाली में 32 साल के रमेश भाई की हल्दी की रस्म में शामिल हुए थे, लेकिन पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। रमेश की मौत की वजह भी हार्ट अटैक ही था। कोरोना के बाद इस तरह के मामले बहुत बड़े हैं। अब आपको आंकड़ों के जरिए ये बताते हैं कि बीते कुछ सालों में दिल की सेहत कितनी बिगड़ चुकी है। 2020 की तुलना में 2022 में हार्ट अटैक के मामले देश में 14% बढ़ चुके हैं। 2020
फैक्टर को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसी साल कोरोना वायरस ने भारत में कहर मचाया था। बीपी शुगर से जुड़े मरीजों के लिए कोरोना सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था और अचानक कई मौतों के कारण कोरोना फैक्टर भी सामने आया, उसके कारण होने लगी। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2022 में हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले 114 लोगों की उम्र 14 साल से कम थी। इसीलिए हम कहते हैं अपना ख्याल रखिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात उन राज्यों की जहां आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है। मराठा आरक्षण के पोस्टर बॉय बन चुके मनोज जरांगे पाटिल मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। मंजिल है आजाद मैदान या फिर शिवाजी पार्क। मनोज जरांगे शिंदे सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक आरक्षण का गुलाल मराठों के सिर पर नहीं पड़ेगा तब तक आंदोलनकारी मुंबई से नहीं लौटेंगे। हालांकि अभी जरांगे और उनके साथी मुंबई नहीं पहुंचे हैं, काफिला अभी पुणे के चंदन नगर में है। लेकिन जो भीड़ मनोज जरांगे के साथ चल रही है वो सरकार की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। सरकार आपको परमिशन नहीं दे रही है? नहीं देंगे न कुछ हो जाए। आपका अंतिम ध्येय क्या है? हमारा आरक्षण इनका है, अंतिम ध्येय मुंबई को जाना और आरक्षण लेके वापस घर ही आना पड़े। सुना आपने, जरांगे के तेवर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत पर उनका आंदोलन बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन मनोज जरांगे के आरक्षण आंदोलन से जुड़ा एक दिलचस्प फैक्टर यह भी है कि सीएम शिंदे खुद मराठा आरक्षण के सपोर्ट में है। राजस्थान में मराठा आरक्षण बाबती मध्य सरकार की भूमिका अतिशय स्पष्ट है। मराठा समाजाला आरक्षण देने का निर्णय सरकार ने घेतलेला है। ओबीसी समाज इतर समाज कुणाचंही आरक्षण कमी न करता त्यांना धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे। उधर राजस्थान में जाट समाज आरक्षण मांग रहा है। भरतपुर और धौलपुर में प्रोटेस्ट तेज हो गए हैं। 17 जनवरी से आंदोलन हो रहा है। इनकी मांग है केंद्र सरकार ओबीसी कोटे में इन्हें आरक्षण दे और साथ ही 2017 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे सरकार तुरंत वापस ले। जैसा कि आप सब जानते हैं गणतंत्र दिवस में सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। उससे पहले आज दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जिन रूट से परेड निकली वहां उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और बहुत सारा आज दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों का ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया था। हालांकि ट्रैफिक डाइवर्ट होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। ट्रैफिक डाइवर्जेंस के संकेत दिल्ली पुलिस ने पहले से ही दिए थे। अब पब्लिक इंटरेस्ट में वक्त आपके कमेंट्स का है। कल की खबरों पर आपने क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। एनआर कुशवाहा साहब लिखते हैं, सर जी आप पब्लिक इंटरेस्ट में एएलपी यानी असिस्टेंट लोपो पायलट और रेलवे की बाकी वैकेंसीज का भी मुद्दा उठाइए। जरूर उठाएंगे कुशवाहा साहब, आप बताते रहिए हम उठाते रहेंगे। रमेश पांडे जी क्या लिखते हैं, ये जो हमने कल राम मंदिर की बढ़िया कवरेज की थी उस पर लिखते हैं, राम से सीख मिलती है। वाकई हमें तो अपने दर्शकों से भी बहुत सारी सीख मिलती है।